राज्यसभा उम्मीदवार राष्ट्रीय संत शिरोमणि बाल योगी उमेशनाथ महाराज शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। यहां पलासिया स्थित गोगादेव मंदिर पर पूजन कर समाज के लोगों से मुलाकात भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा उम्मीदवारों का लगातार सामाजिक क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में आज बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार राष्ट्रीय संत परम पूज्य संत शिरोमणि बाल योगी उमेशनाथ महाराज इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने पलासिया स्थित गोगा मंदिर में पूजन अर्चन की। वहीं समाज के लोगों ने बाल योगी उमेशनाथ महाराज का भव्य स्वागत भी किया। संत शिरोमणि बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बोले कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी संत को राज्यसभा में भेजा गया है और पूरे वाल्मीकि समाज के लिए यह गर्व की बात है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। लोकसभा बोलते हैं और उससे भी बड़ी व्यवस्था राज्यसभा में है। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है कि जब किसी संत को राज्यसभा में भेजा गया है। मेरा जन्म वाल्मीकि समाज में हुआ है। ये संपूर्ण देश के वाल्मीकि बंधुओं के लिए एक बड़ी बात है। ये निरंतर पूरे देश में सभी समाज धर्म जाति के लोगों को प्रसन्नता है, और प्रसन्नता इसलिए है कि माननीय मोदी जी का विचार जो है वो ऊंचा विचार और ऊंची सोच है, और वो इसलिए है कि सबका विकास और सबका साथ। तो उसमें ये पारदर्शिता देखने को प्राप्त हुई कि उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और शीर्ष के समस्त नेताओं ने मिल करके ये निर्णय लिया कि महाराज जी को वहाँ भेजना चाहिए। और ऐसी कोई इच्छा या ऐसी कोई मीमांसा या कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं राजनीतिक में आऊँ। मैं तो निरंतर समाज के लिए काम करता हूँ, जीता भी समाज के लिए हूँ और उठता भी समाज के लिए हूँ। कांग्रेस से नजदीकियों के सवाल पर बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने सभी को साथ लेकर चलने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।